फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ट्रेडिंग। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर का कैसे यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज होता क्या है, और हम इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इससे ट्रेंड कैसे जान सकते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है किसी शेयर में या डाउन ट्रेंड चल रहा है, और कैसे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये सब हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज इंडिकेटर सिंपल है और ईजी टू यूज़ है, बहुत सिंपल है, हर कोई यूज़ कर सकता है, चाहे बिगनर हो चाहे प्रो हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मूविंग एवरेज हम हर तरह के मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, शेयर मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, एंड कमोडिटी मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को तीन तरह की ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, मूविंग एवरेज कैसे मूव कैसे करता है ये देखिए। मूविंग एवरेज मूव करता है, सपोज हर नए कैंडल की एंड जब क्लोजिंग होती है तो उसके जरिए मूविंग एवरेज मूव करता है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ से डाउन गया तो मूविंग एवरेज डाउन चला जाएगा, यहाँ पे हर नए कैंडल स्टिक के क्लोजिंग पे उसकी मूवमेंट निर्भर करती है। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, दो टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज जिसे SMA कहते हैं, और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे कहते हैं EMA। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता। अगर सपोज हमने 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 50 डे का डाटा लेंगे, उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे को सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये है कि जो लेटेस्ट डाटा होता है उसमें उसकी लेटेस्ट डाटा की वेटेज ज़्यादा होती है। मतलब जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे है, ये लेटेस्ट डाटा है, इनकी वेटेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 45, 46, 47, 48 डेज जो डे का डाटा है उनसे। ठीक है, तो इस वजह से इसमें हम ट्रेंड को इजीली और अर्लियर डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, एज़ कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। और ये इसी खूबी की वजह से ये मोर एक्यूरेट होता है सिंपल मूविंग एवरेज से। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हम मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम रखा है चार्ट का 1 डे, एंड EMA लगा रखा है हमने 50 डे वाला। ठीक है, तो 50 डे EMA के थ्रू हम बेटर ट्रेंड जान सकते हैं, और कोई भी नॉर्मल ट्रेडर या प्रो ट्रेडर ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए कि डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में या अप ट्रेंड चल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज ही यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश क्रॉस ओवर हुआ तो शेयर ऊपर भाग गया, यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर हुआ शेयर नीचे भाग गया, यहाँ पे फिर से बुलिश क्रॉस ओवर हुआ शेयर ऊपर चला गया, फिर से बियरिश शेयर नीचे चला गया। तो ये हमें ट्रेंड को देखने और समझने के लिए बहुत अच्छा होता है 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ EMA एंड टाइम फ्रेम यूज्ड। अब टाइम फ्रेम क्या होता है, हम चार्ट का टाइम फ्रेम क्या रखते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो। फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग हम यूज़ करते हैं 10 डे, 20 डे एंड 50 डे EMA, एंड टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट एंड 15 मिनट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। और जैसे जैसे टाइम फ्रेम हम बढ़ाते रहेंगे उसकी एक्यूरेसी, मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मेनली हम इंट्राडे के लिए 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। 5 मिनट में क्या होता है कि सिग्नल तो अर्ली मिल जाता है, बट उसमें फॉल सिग्नल मिलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम 20 डे, 50 डे एंड 100 डे EMA यूज़ करते हैं, और टाइम फ्रेम हम रखते हैं 1 डे। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, और टाइम फ्रेम होता है चार्ट का 1 डे और 1 वीक। ठीक है, और जैसे EMA जितना लो टाइम फ्रेम का होगा उतना ही फास्ट मूव करेगा, तो स्पीड ऑफ 10 डे EMA इज़ मच मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ 20 डे EMA। ओके, ठीक है, और हम हर ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, हम तीन तरह के EMA यूज़ करते हैं। ठीक है, तीन तरह के EMA यूज़ करते हैं। चलिए, ये EMA कैसे हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं, और कैसे EMA के थ्रू हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे बाय और सेल कॉल लेंगे EMA के थ्रू, हम जानते हैं चार्ट के थ्रू। ये मैंने अपस्टॉक्स का इंटरफेस खोल रखा है, और चार्ट
आप स्टॉक्स में चार्ट खोल रखा है, अगर आपका नए आप नए हो शेयर मार्केट में और डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप स्टॉक्स के थ्रू आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जो हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खुलाएगा उसको हम 1 मंथ पेड प्रीमियम ग्रुप सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम स्टॉक्स रिकमेंडेशन देते हैं, उसकी मेंबरशिप 1 मंथ के लिए फ्री में देंगे, जो हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे। चलिए अब चार्ट को एनालिसिस करते हैं। मूविंग एवरेज लगाने के लिए सबसे सिंपली पहले सो ये FX दिख रहा है फॉर्मूला, इसमें जाना है, फिर सिंपल मूविंग एवरेज सर्च करना है। मूविंग एवरेज तो आपका मूविंग एवरेज लग जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज लगा रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं 10 डे 20 डे एंड 50 डे EMA को यूज़ करके। ठीक है, जैसे आप ग्राफ में दिख रहे हैं, अब टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे हम 10 मिनट का। ठीक है, और आपको जो स्काई ब्लू लाइन दिख रही है ये 10 डे मूविंग एवरेज है, ये 20 डे येलो वाली एंड रेड वाली है जो 50 डे मूविंग एवरेज है। देखिए अब यहाँ पे हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकाल रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे ब्लू लाइन जब येलो लाइन को क्रॉस ओवर करेगी तब हमें चौकन्ने हो जाना है कि हमारा सिग्नल एक्टिवेट होने वाला है, और जब जैसे ही ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी हमें ट्रेड ले लेना है अपसाइड में। ठीक है, और हमें 1% की मूवमेंट तक वेट करना है, जैसे 1% मूवमेंट मिल जाएगी हमें हम ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे और इंट्राडे हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी बाय साइड की कॉल। अब जैसे कि यहाँ पे अब देख रहे हो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को डाउन साइड क्रॉस ओवर दिया बट येलो लाइन को क्रॉस ओवर नहीं किया, तो फिर हम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पे कि हमारा सिग्नल आने वाला है। और जैसे ही यहाँ पे ब्लू लाइन येलो लाइन को पहले रेड लाइन को क्रॉस ओवर क्रॉस किया फिर येलो लाइन को क्रॉस किया, और जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला हमें हमने डाउन साइड शॉर्ट सेल की ट्रेड ले ली और हमने 1% की मूवमेंट तक वेट किया, 1% लेके हम निकल गए ट्रेड से और हमारी इंट्राडे होगी कंप्लीट। तो इस तरह हम मूविंग एवरेज के थ्रू 3 मूविंग एवरेज के थ्रू अपना इंट्राडे स्ट्रेटजी में काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लिया है और मूविंग एवरेज चेंज कर लूँगा, हमें क्या चाहिए 1 डे के टाइम फ्रेम के लिए 20 डे 50 डे एंड 100 डे। तो मैं यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम 100 डे का कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 100 डे की मूविंग एवरेज लग गई है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही येलो लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर देती है तो समझ जाइए कि आपका सिग्नल आने वाला है, और जैसे ही येलो लाइन ब्लू लाइन को मतलब 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देती है तो ट्रेड में एंट्री कर लेनी है। और हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट होता है 10% to 50%। ठीक है, और ये बिल्कुल इजीली मूवमेंट मिल जाती है हमें 10% to 15% फ्रॉम द 1 क्रॉस ओवर। ठीक है, तो ये तो हो गए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, अगर हम यहाँ पे सिंपली मूविंग एवरेज को यूज़ करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, उसके बाद और देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ पे कितनी अच्छी मूवमेंट हुई है कुछ ही दिनों में, तो इसे परफेक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहेंगे हम। अब हम फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहिए 50 डे 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज। तो हम 20 डे को 200 डे मूविंग एवरेज से कन्वर्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे शो कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज है ये येलो लाइन, 100 डे है ब्लू लाइन एंड 50 डे है रेड लाइन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले लेंगे। सपोज हमने 283 पे ट्रेड लिया और हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट होता है 20 to 25%। ठीक है, तो 283 है तो हमारा लॉन्ग टर्म हुआ 60 रुपये, 60 रुपये के हिसाब से हमारा 340 तक का टारगेट हुआ। तो लॉन्ग टर्म देखिए हमने ट्रेड कब लिया था, ट्रेड लिया हमने 13 मार्च 2019, उसके बाद हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। देखिए 371 तक गया था बट हमारा टारगेट 360 तक ही 26 जून 2019 को अचीव हो चुका था। तो ये एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का एग्जांपल है फ्रॉम द यूज़ ऑफ मूविंग एवरेज। हैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड गिरने लग गया, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर बाउंस बैक हुआ, फिर गिरा फिर सपोर्ट लिया फिर बाउंस बैक हुआ, फिर एक तरह से हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है और ये हायर लोज पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। तो 50 डे पे इसमें 3 बार सपोर्ट लिया, 1 2 3, चौथी बार इन्हें सपोर्ट तोड़ दिया, उसके बाद 100 डे पे सपोर्ट लिया फिर से अपसाइड गया, फिर 100 डे पे सपोर्ट लिया फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। सो फिर 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर
अपसाइड मूवमेंट हुई, फिर 200 डे मूवी एवरेज पे आया और यहाँ पे ब्रेकआउट होके नीचे गिर गया। मतलब यहाँ पे 50 डे मूवी एवरेज, 100 डे मूवी एवरेज और 200 डे मूवी एवरेज ऐसा सपोर्ट का काम कर रहे हैं इस चार्ट के लिए। यहाँ पे एक बार 50 डे एक बार, दो बार, तीन बार लिया सपोर्ट, फिर 100 डे पे एक बार दो बार सपोर्ट लिया, फिर 200 डे पे एक बार दो बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और स्ट्रेट नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये तीनों मूवी एवरेज एज अ सपोर्ट का काम भी करते हैं किसी भी ट्रेड के लिए। अब सपोज़ ट्रेड डाउन ट्रेंड में है तो यही मूवी एवरेज एज अ रेजिस्टेंस भी काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 डे का तोड़ के नीचे गिर गया शेयर, उसके बाद अब ये अपसाइड गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके 100 डे पे इसने सब रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे एक बार 50 डे पे रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया। 200 डे का क्रॉस ओवर करके सीधा अपसाइड में क्लोजिंग दिया और इसका मतलब है कि अब ये ट्रेड अपसाइड में हो गया और इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये मूवी एवरेज, अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लग गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये देखिए, यहाँ पे एक बार फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और सीधा ट्रेड गिर गया। देखिए कैसे गिरा, फिर यहाँ पे अब यही मूवी एवरेज रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। देखिए ठीक है ना, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मूवी एवरेज के यूज़ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ग्राफ के थ्रू आप जान ही चुके होंगे मूवी एवरेज कैसे यूज़ करना है, कैसे इंट्राडे के लिए यूज़ करना है, कौन सा मूवी एवरेज कौन से इंट्राडे के लिए यूज़ करना है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब इस जैसे हमने एक यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, आपको बाय कब लेना है, सेल कब लेना है ट्रेड को, ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है, रुकिए मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है, बाय लिया। ठीक है, यहाँ पे आके सेल कर दिया, यहाँ पे बाय लिया, यहाँ पे आके सेल कर दिया, समझे। तो मूवी एवरेज के थ्रू आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ईजिली होगा। आप कोई और इंडिकेटर यूज़ ना भी करो, मूवी एवरेज अगर सिंपल यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा थ्रू मूवी एवरेज। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी को अगर कोई कह रही है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, प्लीज़ ज्वाइन। एंड वहाँ पे हम आपको सारी नॉलेज एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस कर देते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।